हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफलाइन विद सिल्वी। और आज हम बनाएंगे नवरात्रों के बाद कंजकों वाले चने। आइए अब जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। मैं व्रत वाले चने बनाने के लिए चाहिए 250 ग्राम काले चने या एक बड़ी कटोरी। हमें चाहिए कुछ मसाले, आधा चम्मच काली मिर्च, सेंधा नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच हल्दी, आधा चम्मच अजवाइन, एक चम्मच अमचूर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच देगी मिर्च का। और हमें चाहिए ऑयल, दो चम्मच देसी घी और अदरक, हरी मिर्च और धनिया। व्रत वाले चने जो बनाने की विधि है वो स्टार्ट होती है रात को। मैंने किया था कि मैंने जिस कुकर में इन चनों को तैयार करना है मैंने उसी में नमक, हल्दी और एक चम्मच तेल के साथ पौना लीटर पानी के साथ भिगोकर रख दिए। 250 ग्राम चने एक कटोरी चने के लिए आप समझ सकते हैं पौनी बोतल पानी की डालकर मैंने इनको भिगो दिया था रात को। और सुबह में उसी पानी के साथ, उस पानी को हमें छानना नहीं है, उसी पानी के साथ हम इसको उबाल दिया है। मैंने इसमें लगाई थी 10 विसल। अब इसको चेक कर लेते हैं 10 विसल के बाद। ये देखिए ये हो चुके हैं। तो बस हमें बस इसको पूरा अभी ड्राई नहीं करना है क्योंकि मसाले डालने के बाद ये अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है थोड़ा सा पानी और भी। तो हम इसे सिम सेक पे ही अलग सेक पे रख देंगे। और अब आइए बनाते हैं इसका मसाला। हमने क्या करना है, वोक या कढ़ाई में हमें एक करछी ऑयल गर्म करना है। जैसे कि मैंने अभी इसे गर्म कर दिया है, अब इसमें डालेंगे हम अपने सूखे मसाले। सूखे मसाले डालते ही इसको चलाना है और हमें कर देना है गैस बंद। एक क्विक स्टर देते हुए हमें अपने चनों को ऐड अप कर देना है ताकि ये जले नहीं मसाले, उसे पहले से पहले जल्दी से जल्दी। अब मैं अपने सारे चने ट्रांसफर कर दूंगी। अब मैंने सारे चने ट्रांसफर करने के बाद मैंने गैस को की आंच फिर चला दी है तेज सेक पे। बस अब मुझे क्या करना है कि इसको थोड़ी देर उबाला दिलाकर और फिर ढककर 5 मिनट के लिए रखना है ताकि चने में सारा मसालों का टेस्ट चला जाए और फिर हम इसे बन जाएंगे और हम इसे सर्व करेंगे। तो बस हमें इसे अभी अच्छा बॉयल आने देना है। इसको अच्छा बॉयल आने के बाद हमें अपना देसी घी डालना है इसमें। अभी देखिए इसमें काफ़ी पानी है लेकिन हमने इतना पानी अभी क्यों छोड़ा है, क्योंकि अभी मसालों का टेस्ट इसके अंदर जाना बाकी है। बस अच्छे से स्टर करके हमें तेज सेक पे ही पहले तो 5 मिनट इसको ढककर बनाना है ताकि हर एक चीज़ का मसाले का टेस्ट अंदर चला जाए और ये बहुत ही स्वादिष्ट बने। बीच में ज़रूरत होगा तो हम इसे एक बार स्टर कर देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे खोल कर देखेंगे। चने अभी थोड़े से हमें सिर्फ ड्राई करने हैं। चने बिल्कुल रेडी हैं हमारे, बस ड्राई करते हैं अभी और इसको सर्व करेंगे। लीजिए तैयार है हमारे व्रत वाले चने। जो दूसरे चने होते हैं जो हम नॉर्मली खाते हैं ग्रेवी वाले, वो भी मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी करी वाले। और अभी तो इन्जॉय कीजिए नवरात्रा में चने, ये व्रत वाले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फ्रॉम आपकी दोस्त।